नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ऑन एयर मेहमान 90.4 FM ज्योतिवाणी पर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज दुनिया भारतीय गणितज्ञों द्वारा किए गए योगदानों के लिए बहुत ही ऋणी है। तो चलिए ऐसे ही कुछ आविष्कारों और योगदानों पर बात करते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व समुदाय गणित के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों का योगदान, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स टू द वर्ल्ड कम्युनिटी। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी के डीन डॉक्टर शोभालाल सर। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, हम हमेशा सुनते आए हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया है, पर जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो बहुत जगह ब्रह्मगुप्त का नाम सामने आया है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि असल में शून्य किसकी देन है? देखिए, इसमें दो तरह की बातें आपने करी है। एक तो शून्य जो आज प्रचलित है, जिसको इंग्लिश में जीरो कहते हैं, और एक शून्य को जिसको सबसे पहले एक आकृति के रूप में, एक स्केच के रूप में मैथमेटिक्स में लाया गया था। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जहां तक जीरो के इन्वेंशन की बात है, तो आप ये स्पष्ट हो जाइए कि इसका इन्वेंशन तो आर्यभट्ट ने ही किया था। बाकी दूसरे मैथमेटिशियन की बात करी है, उन्होंने 638 AD, तो उसमें आप ये कह सकते हैं सिंबल बना करके, और बताया था कि ये शून्य है। शून्य मीन्स इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। बट उसका जो एक प्रोफेशनल पैटर्न आया, जो बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विधारी पद्धति में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में या कंप्यूटर साइंस में जो आया जीरो, जिसके बाद से कैलकुलस और बाकी चीजें बढ़ी, उसके लिए तो हम आर्यभट्ट को ही कहते हैं कि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। अगर हम बात करें गणित के क्षेत्र में योगदान की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीनिवास रामानुजन का नाम प्रथम स्थान पर आता है। तो क्या आप हमें उनके जीवन और उनके अद्भुत आविष्कारों के बारे में बताएंगे? देखिए, सवाल में तीन प्रश्न एक साथ है। एक तो उनका जीवन, दूसरा उनका आविष्कार, तीसरा उनका अद्भुत आविष्कार। तो जीवन के बारे में, तो जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है भिन्न भिन्न लिटरेचर्स में, तो मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टडी, आई कैन से अपनी मेघाविता के बल पर, आगे के दिनों में ये कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में गए और इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो जीवन तो इनका स्ट्रगल पीरियड रहा, जैसे जनरली स्कॉलर्स का होता है, वो रामानुजन साहब के साथ भी था। रह गई बात इनके कंट्रीब्यूशन की मैथमेटिक्स में, तो थ्योरी ऑफ नंबर्स यानी नंबर थ्योरी जिसको बोलते हैं, ये एक लौता इनका इन्वेंशन मान सकते हैं आप, जिसने प्योर मैथमेटिक्स को पूरे दुनिया में एक नई दिशा दी। इसके अलावा इन्होंने रीमन इंटीग्रेशन को भी साइंटिफिक सोसाइटी के सामने प्रदर्शित किया कि भाई रीमन ने जो काम करके जो अधूरा छोड़ दिया था, रीमन भी एक बहुत बड़ा नाम था उस समय, जिन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस को साथ में लेकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया था। आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धि गिनाई थी, तो उनके जो तथ्य थे उसको भी रामानुजन ने आगे बढ़ाया था। हम अक्सर देखते हैं इन्फिनिटी का जिक्र होते ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉब्लम गलत सॉल्व कर देते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भास्कराचार्य द्वारा दी गई इन्फिनिटी की थ्योरी पर रोशनी डालें और स्टूडेंट्स की इस कंफ्यूजन को दूर करें। देखिए, इन्फिनिटी के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भास्कराचार्य का जो कंसेप्ट है, वो आज के तारीख में इतिहास की चीजें हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है जो इन्फिनिटी पर बहुत सारी बातें करती है। हम लोगों ने खुद भी इन्फिनिटी के बारे में बहुत सारे थ्योरम्स और बहुत सारे एनालॉग्स डेवलप किए हैं। स्टूडेंट को नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शन भी कहता है, भारतीय संस्कृति भी कहती है, ये जो सृष्टि है इसमें अगर आप कल्पना करें कि किसी का जन्म हो रहा है, तो जन्म के पहले वो मनुष्य कहाँ था और जन्म के बाद वो कहाँ गया। कोई अगर कह दे कि भाई ये इन्फिनिटी में था, स्पेस इन्फिनिटी है, आकाश इन्फिनिटी है, तो आम लोगों को समझने की बात हो जाएगी कि इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि भाई ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, उस इन्फिनिटी को जो उसका जो इन्फिनिटी में जो प्रादुर्भाव हुआ, उसका जो एग्जिस्टेंस हुआ है इन्फिनिटी में, उसको धीरे धीरे सेव करके एक ह्यूमन बीइंग का, एक मनुष्य का, एक मानव का सेव रूप दिया गया। तो विद्यार्थी को ये डरने की बात नहीं है इन्फिनिटी से, कि बहुत लोग समझ जाते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब हो गया बहुत बड़ा, जैसे 2 / 0, तो स्टूडेंट बहुत कह देते हैं 0, 50, 50 / 0, 50 में 0 से भाग दे दीजिए तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एनी नंबर / 0 गिव्स इन्फिनिटी, वो अनंत का स्वरूप धारण कर लेती है।
अब जैसे एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि भाई 1090 का वैल्यू कितना होता है, क्या इसका ग्राफ खींच सकते हैं, तो उसने कहा कि सर साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने जिस मैथमेटिशियन के जिक्र किया है कि इन्होंने इन्फिनिटी के बारे में जो कहा है, उन्होंने भी यही कहा है। मेरा यहाँ ये कहना है कि अब आज के डेट में इसको हम इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट के फॉर्म में समझने लगे हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब हो गया जिसको निर्धारित नहीं किया जा सके, और डिटर्मिनेट का मतलब जिसको निर्धारित किया जा सके। जैसे आकाश में कोई चीज, इस ब्रह्मांड में कोई चीज आया लेकिन उसका अस्तित्व सही रूप धारण न कर सका तो वो अनंत है, इन्फिनिटी है। लेकिन इस ब्रह्मांड में आने के बाद भी उसने एक सही रूप धारण कर लिया तो वो क्या है, वो फाइनाइट है, वो डिटर्मिनेट है। तो धीरे धीरे वो इनडिटर्मिनेट जो पैटर्न है वो डिटर्मिनेट हो जाता है, यानी इन्फिनिटी जो है वो एक फिक्स्ड शेप ले लेता है। इसलिए इन्फिनिटी को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इन्फिनिटी का मतलब कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ये कंसेप्ट है इन्फिनिटी का। सर जैसे कि हम जानते हैं आप एक गणित के विद्वान हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक्स या शॉर्टकट आप बताएं। देखिए गणित को लेकर के जैसे अब कोई स्कूल गोइंग गर्ल है या स्कूल गोइंग बॉय है, आप जिस किसी से भी मैथमेटिक्स की बात कर दीजिए तो उसको ये लगता है कि आपने क्या कह दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत डर लग गया, बहुत भारी है, बहुत डिफिकल्ट। मैं समझता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को शुरू से कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। श्रोताओं को बता दें, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि वे अपने स्टूडेंट्स को, अपने पुत्र पाल्य पुत्रियों को बताएं कि मैथमेटिक्स जो है, आपने जिस ट्रिक की बात करी है, पहले तो ये नोट कर लीजिए, मैथमेटिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट टू बी रीड एज ए नोवेल। आप गणित को उपन्यास के जैसा न पढ़ें, और जब कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ने की शुरुआत करें, जैसे आपका टाइम टेबल में सुबह 6 बजे से मैथमेटिक्स पढ़ना है, 10 बजे रात से पढ़ना है, आप जब भी पढ़ना चाहते हैं, या क्लास में हैं या जहां भी हैं, तो आपके हाथ में सबसे पहले देयर शुड बी सम पेपर्स एंड ए पेन, आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। मैथमेटिक्स को कभी भी भूल के उपन्यास की कहानियों के जैसा न पढ़ें, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लगेगा कि आपको सब आ रहा है, लेकिन जब आप उसको बनाना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि अब आपसे वो बन नहीं रहा है। आपने भी एक स्टूडेंट के रूप में ऐसा अनुभव किया होगा। yes, और मेरा तो शिक्षा के क्षेत्र में, अब मैं 29 इयर्स कंप्लीट करूंगा टीचिंग, मैं बहुत पहले से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, पढ़ाने के काम में लगा हूँ, शोध के क्षेत्र में तो बाद में आया PhD के दरमियान। तो मैथमेटिक्स को आपको नोबेल के जैसा नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स को लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके पढ़ना है। दूसरा एक इसके लिए ट्रिक ये है कि मैथमेटिक्स बनाने के समय में आप ये बिल्कुल ध्यान न रखें कि वो बनेगा आपसे या नहीं बनेगा, आपका काम उसको बनाना है। आप एक ही सवाल को बार बार बनाएं, उसके जो थ्योरम्स हैं, उसके जो फॉर्मूला हैं, एग्जाम्पल्स हैं, या उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं बुक में, आप उससे हेल्प लें, अपने शिक्षक से हेल्प लें। हम समझते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे मैथमेटिक्स के प्रति आपका लगाव बढ़ते चला जाएगा। और मैथमेटिक्स वन डे गेम नहीं है कि आप आज पढ़े और आप आज ही सीख लिए, आप नित्य इसके लिए अभ्यास करें। आप देखेंगे मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसका नाम लिखा हुआ एक्सरसाइज। यस सर, एक्सरसाइज व्यायाम को कहते हैं, कसरत को करते हैं कहते हैं। ये रोज रोज करने की चीज है, एक ही सवाल को, एक ही न्यूमेरिकल्स को, एक ही प्रॉब्लम को बार बार बनाएं। और एक मैं अपने जो हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे, ज्योति विद्यापीठ के बच्चे बहुत पहले से जानते हैं, हमारी बच्चियां जानती हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी समझें। मैथमेटिक्स आपको अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो आपको 3P आना चाहिए, P+P+P। फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पैसेंस, पैसेंस मीन्स धैर्य। विद्यार्थी के पास, लर्नर के पास जो सीख रहा है मैथमेटिक्स, उसके पास धैर्य होना चाहिए कि भाई हम अभी सीख रहे हैं, अभी नहीं सीखेंगे, थोड़ा देर बाद सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, मैंने पैसेंस लूज नहीं करना है उसको। ये नहीं कि देखते ही परेशान हो गया, पसीना आने लगा कि अरे भाई ये हमसे कैसे बनेगा। तो उसके पास फर्स्ट तो पहला पी की पैसेंस होना चाहिए, दूसरा पी उसके पास परसेवरेंस होना चाहिए, साहस उसको, ये कि जब सब कोई कर सकता है, इसको पढ़ करके कोई दूसरा छात्र, दूसरी छात्रा अगर अच्छा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इन माई ओपिनियन दिस इज पार्ट ऑफ परसेवरेंस। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कहा लिख लिख के, प्रैक्टिस। यानी फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पैसेंस, सेकेंड पी परसेवरेंस, एंड थर्ड पी प्रैक्टिस। जैसे रिक्शा आप देखें, उसमें 3 पहिए हैं, अगर 3 पहिए में से कोई एक पहिया अगर खोल कर रख दीजिए तो रिक्शा चल नहीं सकता है,
उसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट को इस तीनों पी में से कोई एक पी गायब है तो एग्जाम में नर्वस हो जाएगा। वो आके पापा मम्मी से कहेगी कि घर पर मुझे सब आ रहा था, एग्जाम में नहीं आया। मीन्स उसने वहाँ पर पेशेंस लूज कर दिया। दूसरा एक कहती है कि मुझे मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे भारी लगता है। मीन्स उसने परसेवरेंस खो दिया है। और एक कहता है कि मैं घर पर बनाता हूँ तो सब बन जाता है, बट एग्जाम में बनाता हूँ तो पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, कैसे गलत करके चले जाते हैं। इसका कारण है कि उसने प्रैक्टिस किया नहीं ठीक से। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अच्छा करने के लिए, और आप तो ये जान लीजिए, आज चाहे सोशल साइंस का सेक्टर हो, पॉलिटिकल साइंस का सेक्टर हो, रिसर्च का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, एजुकेशन हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही, आपको विदाउट मैथमेटिक्स कुछ काम बन नहीं सकता है। क्योंकि जो भी डेटा है उसका एनालिसिस करने के लिए आपको मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूली है और जो बाकी कंसेप्ट है, वो तो यूज होना ही है। इसलिए चाहे स्टूडेंट जिस भी स्ट्रीम का हो, उसको मैथमेटिक्स को एंजॉय करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। गणित के विकास और इसके सूत्रों को सुलझाने में भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, बोधायन भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय का अहम योगदान रहा है। इस पर हम पूछना चाहेंगे कि इन उल्लेखनीय गणितज्ञों की कौन कौन सी खोज गणित के क्षेत्र में प्रमुख है। आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न किया है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर एवरी मैथमेटिक्स लविंग स्टूडेंट एंड पीपल को आना चाहिए। मैं आपको भारतीय गणितज्ञों के कंट्रीब्यूशन, उनके देन के बारे में बताने के पहले मैं एक आपको छोटा सा दृष्टांत बताना चाहता हूँ। आप जब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से क्रॉस करते हैं तो मुगल सराय आता है, और मुगल सराय से आगे बढ़ेंगे तो गया आता है। गया से जब आप पटना के लिए ट्रेन लेते हैं तो एक स्टेशन का नाम है तारेगना। तारेगना का मतलब हो गया जहाँ से तारों को गिन दिया गया। आर्यभट्ट पटना के थे, बिहार के थे। आर्यभट्ट ने उस जगह पर खड़ा होकर के, पृथ्वी के सतह पर खड़ा होकर के, और ये काउंट कर दिया पांचवी शताब्दी में कि आकाश में कितने तारे हैं, हाउ मेनी स्टार्स आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, जो आज सारे दुनिया के एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लोगों को ये बात परेशान करती है। और मैं इस कड़ी में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि इसी जगह को आर्यभट्ट ने क्यों चुना, इस पर खोज करने के लिए 2014 को, मुझे याद है 2014 को, जब देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अच्छे साइंटिस्ट भी थे, जब उनको इसके बारे में जानकारी मिली तो वो पूरे दुनिया के सारे जितने एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट थे, जिनका भी स्पेस और स्पेस से रिलेटेड अच्छा इन्वेंशन था, सारे दुनिया के लोगों को बुलाया और वहाँ से स्कूल के बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ है, कोई किसी के छत पर चढ़ा हुआ है, कोई रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है, कोई प्लेटफॉर्म का जो बिल्डिंग है उस पर चढ़ा हुआ है। और उस दिन चूंकि सोलर इलिप्स यानी सूर्य ग्रहण उस दिन था, तो एक मौका था कि यहाँ से देखा जाए कि एक्चुअल में यहाँ के विजिबिलिटी, और दूसरे कॉर्नर पर जो बाकी अपने भारत के अनुसंधान केंद्र हैं एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के, जैसे पूना है या बाकी जगहों पर है, तो दोनों में क्या अंतर है। तो देखा गया कि वो जो जगह है, जो बिहार का तारेगना, वो जगह अपने आप में एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी है। अब सवाल ये आता है कि आर्यभट्ट को इसकी जानकारी कैसे लग गई। तो मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक दूसरे बिहार के मैथमेटिशियन का हाल ही में निधन हुआ है, हमारे श्रोताओं को शायद इसकी जानकारी होगी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने मैथमेटिक्स को इतना दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा कोई डायमेंशन ऑफ मैथमेटिक्स नहीं था जो उन्होंने अनटच्ड रखा हो। आपने जीरो के बारे में तो बात करी ही, जीरो पर जब विवेकानंद जी शिकागो के अधिवेशन में बोलना शुरू कर दिए तो सारे लोग परेशान हो गए कि जीरो क्या है। ये भारतीय दर्शन था, ये भारतीय मैथमेटिक्स था जो दुनिया के सामने आया था। तो चाहे भास्कराचार्य जी हो, चाहे स्कंद गुप्त हो या रामानुजन साहब हो, सबने इंडियन साइंस को, इंडियन मैथमेटिक्स को बहुत कुछ दिया। लेकिन चूंकि भारत पर 400 वर्षों से ज्यादा तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो हर चीजों को कह दिया गया कि भाई न्यूटन ने इसका आविष्कार किया। अब जिससे पूछिए कि सेव नीचे गिरा, ये न्यूटन ने देखा। पृथ्वी किसी चीज को अपने सतह की ओर खींचती है, ये बात न्यूटन ने यदि कहा तो न्यूटन तो 14वीं शताब्दी के हैं, और 5वीं शताब्दी में ही आर्यभट्ट कह दिया था कि पृथ्वी किसी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है 900 वर्ष पहले। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने न्यूटन को सर की उपाधि दी थी। तो सारे किताबों में आ गया कि न्यूटन ने आविष्कार किया गुरुत्वाकर्षण का, जबकि गुरुत्वाकर्षण की खोज भारत और भारतीय गणितज्ञों की देन है।
बल्कि आपको और भी स्पष्ट करके कहें कि पृथ्वी किसी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है और दो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका उल्लेख हमारे भारतीय शास्त्रों और जो एंशियंट लिटरेचर है उसमें भी मिलता है। इसलिए हम बहुत पहले से काफी रिच रहे हैं और आज भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहिए या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कहिए, तो हमारा मैथमेटिक्स हमारा टेक्नोलॉजी आज भी बहुत रिच है। आज भी आप देख लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट लीजिए या चाहे जो भी देखिए, उसको जो चलाने वाला ब्रेन है वो इंडिया का है, भारत के लोग ही उसको चला रहे हैं। इसलिए हमें भी इस अभियान को आगे बढ़ाना है, नई पीढ़ी को इसके बारे में सोच करके और भी आगे ले जाना है। सुनने वाले श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय गणित की विख्यात पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जिन्हें पढ़कर स्टूडेंट्स का सही मार्गदर्शन होगा। हम किसी स्पेसिफिक बुक को कुछ कह नहीं सकते हैं कि इस बुक को सबसे पहले पढ़ें या ये एक बुक दुनिया की सबसे अच्छी बुक है। हाँ, कह सकते हैं आपकी मैथमेटिक्स का जो इनसाइक्लोपीडिया है, अब उसके जो अलग अलग फ्रेमवर्क में जो चीजें लिखी गई है, जैसे प्योर मैथमेटिक्स की अलग इनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की अलग इनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, मिडिल, बिगनिंग और करेंट, ये जो एरा है इसमें जो चीजें मैथमेटिक्स में डेवलप हुई है, कंप्यूटिंग में डेवलप हुई है, इसको अगर इस आधार पर अगर बांट करके पढ़े तो समझ में आता है। हम किसी पार्टिकुलर बुक को ये नहीं कह सकते हैं कि इसी को आप पढ़ें तो ये बहुत पुरानी है या ये बहुत अच्छी है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके श्रोताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि ज्योति विद्यापीठ देश की शायद पहली महिला विश्वविद्यालय है जिसको ये सौभाग्य प्राप्त है, जहाँ गणित के एक नए डायमेंशन की खोज हुई है। यहाँ के शिक्षक जो आपसे बात कर रहा है ने नॉन मोमेंट मैकेनिक्स, सेलेशियल मैकेनिक्स जब न्यूटन ने लाया तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया कि सेलेशियल मैकेनिक्स, आकाश के बारे में मैकेनिक्स आ गया। मैकेनिक्स तो पहले गति और बल और सतह पर की चीजों का अध्ययन करता था, तो सेलेशियल मैकेनिक्स आया। हम लोगों ने यहाँ नॉन मोमेंट मैकेनिक्स डेवलप किया है और नॉन मोमेंट मैकेनिक्स के बारे में अगर प्रकाशक जो उस किताब को स्कॉलर प्रेस यूके एंड जर्मनी ने पब्लिश किया है, जो इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के जो हमारे विश्वविद्यालय का प्रबंधन है उसके सतत प्रयास और निगरानी का प्रतिफल है जो हम शिक्षकों को मिलता है गाइडलाइन, तो हम लोगों ने नॉन मोमेंट मैकेनिक्स को डेवलप किया। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गणित की कितनी शाखाएं हैं। मैंने डिस्कशन के प्रारंभ में ही कहीं कहा आपसे कि मैथमेटिक्स को बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्योर मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं विशुद्ध गणित, और दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड का हिंदी अनुवाद तो मैं सही सही नहीं बता सकता, आप इस तरह से समझिए कि आप जो क्लास 6 से लेके, बल्कि अब तो 6 से पहले से भी मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, ये सब जो मैथमेटिक्स है ये सब प्योर मैथमेटिक्स है। ये छोटे छोटे जो इक्वेशंस हैं ये सब प्योर मैथमेटिक्स का है। अप्लाइड प्योर और अप्लाइड में डिवीजन यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर होता है। प्योर मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ स्टडी ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी एंड अदर्स। इसके स्टडी के लिए हमें प्योर मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। जितने प्रोग्रामिंग्स हैं, जितने कंप्यूटर के लैंग्वेजेज हैं, इसको स्टडी के लिए या जो भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसको समझने के लिए आपको, या मैनेजमेंट के जो मैनेजेरियल स्किल्स के जो एनालिसिस है इसको समझने के लिए हमें प्योर मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज इंजीनियरिंग के उस क्षेत्र में होता है जहाँ आपको एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है या कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उसको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन करना रहता है। उस केस में वो जो मैथमेटिक्स यूज करता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स की ये दो शाखाएं हैं। अब इसके आगे चल करके अलग अलग डाइमेंशंस भी हैं, लेकिन इसके बेसिकली दो ही कैटेगरीज हैं। ये थे हमारे साथ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी के डीन डॉक्टर शोभा लाल जी। धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। थैंक यू।